आदाब नाजरीन, आज हमारा गुजर पटना के शरीफ कॉलोनी के पास से हुआ तो हमने सोचा कि चलो इधर एक पुराना मदरसा है जिसे शमशुल हुदा मदरसा कहा जाता है, पास में ही एक मस्जिद है, इस मस्जिद का नाम है नूरी मस्जिद। ये नूरी मस्जिद शमशुल हुदा मदरसा के बानी जिनका नाम जस्टिस नूरुल हुदा साहब था रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम पर यह मस्जिद है नूरी मस्जिद, और उनका कब्र भी मस्जिद के किनारे में है। और जैसा आप ये देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा फैला हुआ मदरसा है, और ये इस मदरसे की बुनियाद 1912 ईस्वी में डाली गई थी जो कि पटना यूनिवर्सिटी के बुनियाद डालने से लगभग 5 साल पहले। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि पटना यूनिवर्सिटी जो बनी उसको फाउंडिंग कमेटी में जो जस्टिस नूरुल हुदा साहब थे उसके एक मेंबर थे, तो एक तरह से वो पटना यूनिवर्सिटी के भी बानी हुए और इस मदरसा शमशुल हुदा मदरसा के भी बानी हैं। और शमशुल हुदा मदरसा का नाम उन्होंने अपने वालिद हुजूर जिनका नाम शमशुल हुदा था उनके नाम पर उन्होंने रखा। जैसा आप देख सकते हैं ये मदरसा जो है काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर अभी बच्चे खेल रहे हैं। और ये मदरसा अभी स्टेट के अंदर है, मदरसा स्टेट मदरसा बोर्ड। और सबसे बड़ी बात यह है, अच्छी बात यह है कि 1920 में मदरसा बोर्ड बिहार मदरसा बोर्ड की बुनियाद डाली गई तो उसका जो ऑफिस था वो ये शमशुल हुदा मदरसा ही था। तो हम इधर से गुजरे तो हमने सोचा कि चलो आपको मदरसा घुमा दिया जाए, देख लिया जाए मदरसा का क्या हाल अभी है। ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कुछ लोग बैठे हैं, सिंस काफ़ी वसी काफ़ी बड़ा खुला हुआ जगह है तो लोग आकर शाम में खेलते हैं, मगर यह है कि जिस हालात में भी आप देख रहे हैं ये हालात कुछ दिन पहले तक ऐसा नहीं हुआ करता था। जैसा आप देख सकते हैं ये मदरसा काफ़ी बड़ा काफ़ी फैला हुआ है और यहाँ रहने के भी इंतज़ाम है, लाइक हॉस्टल है वगैरह, टीचर्स के रहने का भी इंतज़ाम वगैरह नहीं है क्योंकि काफ़ी बड़ा काफ़ी वसी कैंपस है। और उन्होंने इस नूरुल हुदा जस्टिस नूरुल हुदा साहब ने इस मदरसे के नाम पे काफ़ी सारी ज़मीनें वक्फ कर दी थी ताकि इस मदरसे को आगे चलने में आगे बढ़ने में बाद में कोई मुश्किलात पैदा ना हो सके। तो इस वजह से आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ी जगह में फैला हुआ ये मदरसा है। और इस मदरसे के साथ साथ ये है कि 1920 में बिहार मदरसा बोर्ड की जो बुनियाद रखी गई तो उसका जो ऑफिस खुला वो यहीं था। इसके अलावा इस मदरसे में और यह है कि इस मदरसे से काफ़ी बड़े बड़े लोग पास आउट होकर निकल चुके हैं, इसमें इस मदरसे से काफ़ी अजीम शख्सियात का निकलना हुआ है और बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स, सिंस ये 1912 में बना है और आज़ादी हमें मिली 1947 में, तो इस वक्फे में इस मदरसे ने काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर्स को पढ़ाया है, अपने अंदर रखा है। काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर्स यहाँ से तालीम हासिल करके देश और दुनिया का नाम रोशन किया है उन्होंने। और नूरुल हुदा साहब जो थे वो बिहार के पहले ऐसे इंसान थे जो इंग्लैंड पढ़ने गए थे, इससे पहले लोग इंग्लैंड तो जाया करते थे बिहार से, मगर नूरुल हुदा साहब पहले शख्स थे जो इंग्लैंड गए पढ़ाई के वास्ते, फिर वहाँ से वापस आए तो उन्होंने अपने एरिया अपने कौम के तालीमी बेदारी के लिए मदरसा खोला। और साथ साथ वो पटना यूनिवर्सिटी जो कि पास में ही है उसके फाउंडिंग मेंबर भी थे। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत नज़ारा ये नूरी मस्जिद का जो कि उन्हीं के नाम पे रखा है। और जब 1947-46 का फसादात हुआ था तो इस मदरसे ने भी काफ़ी अहम रोल अदा किया था, अहम रोल इस तरह से कि ये एक तरह से रिफ्यूजी कैंप बन गया था जो कि बिहार के गांव के एरिया में बहुत सारे जगह जो फसादात के शिकार हो गए थे तो वहां से लोग जो उठ करके रिफ्यूजी आए थे तो बहुत सारे लोग इस कैंपस में उन्होंने कुछ दिन बसेरा किया था, कुछ दिन डेरा डाला था, मगर यह है कि आजकल यह है कि मदरसा जो है अपने उरूज पर नहीं है। एक ज़माना था जब मदरसा अपने उरूज पर हुआ करता था, मगर अब बदहाली तो नहीं कहेंगे मगर ये कहेंगे कि अभी
उस जो शान व शौकत पहले हुई करती थी इस मदरसे की, अब वो नहीं है। तो ही सरकार से गुजारिश है और आम लोगों से भी गुजारिश है कि ये आपकी धरोहर है, आपका हेरिटेज है, ये आपकी हिस्ट्री है, तो आप इसे संभाल के रखें और इसके देखभाल में कमी ना हो। और जैसे अभी सुनने में आया शायद यहाँ टीचर्स की कमी है वगैरह वगैरह, तो सरकार को भी ये चाहिए कि इस तरफ मदरसा बोर्ड की तरफ और ख़ासकर शमसुल हुदा मदरसा की तरफ ध्यान दिया जाए। शुक्रिया।